मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग, ये संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है रविवार यानी कि 22 मार्च 2020 का। पंचांग जैसा कि मैं आपको हर रोज बताता हूं, पांच चीजों से मिलकर बनता है। वो होता है क्या, वार, योग, नक्षत्र, करण और तिथि। इन पांचों चीजों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। पंचांग एक संस्कृत का शब्द है। यह हमारा जो हिंदू पंचांग होता है ये मुख्यतः सूर्योदय और सूर्यास्त पर और चंद्रोदय चंद्रास्त पर आधारित होता है। तो आइए जानते हैं आप पंचांग आज का। पंचांग जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो भी कार्य आप करेंगे आरंभ, उसके लिए पंचांग देखने की हमें जरूरत पड़ती है। तो हम लेके हाजिर हैं आप लोगों के लिए विस्तृत और संपूर्ण पंचांग। इसमें आपको आज के पंचांग के बारे में हर जानकारी एक एक करके मिलेगी। सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिनका आज जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान हर प्रकार की खुशियां दे जो भी आप चाहते हैं। साथ ही जिन लोगों का आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों की जोड़ी इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहे, यही कामना हमारी है। साथ ही जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आइए आरंभ करते हैं आज का संपूर्ण पंचांग। आज है रविवार यानी कि 22 मार्च 2020। तिथि और नक्षत्र की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 माह चैत पक्ष कृष्ण। तिथि त्रयोदशी जो कि सुबह के 9:56 तक रहेगा, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहने वाला सतभिषा। सतभिषा नक्षत्र रात के 10:08 तक रहेगा, उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशासूल रहने वाला पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें। योग रहने वाला साध्य। साध्य योग दिन के 1:02 तक रहेगा, उसके बाद शुभ योग आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय और चंद्रोदय की बात करें अब तो सूर्योदय आज होगा सुबह के 6:22 पर और सूर्यास्त रहेगा 6:33 पर शाम में। आज चंद्रोदय होने वाला है दिन के 6:00 जो कि अगले दिन सुबह के 6:00 है। हमारे हिंदू पंचांग में जब तक सूर्योदय हो नहीं जाए तब तक उसे अगला दिन नहीं मानते। तो अगले दिन यानी कि 23 मार्च को जो 6:00 चंद्रोदय होगा वो आज का चंद्रोदय माना जाएगा। चंद्रयास्त होने वाला है आज शाम के 4:51 पर। आइए आज की चौघड़िया जानते हैं अब। चर समय आज रहने वाला है सुबह के 7:53 से लेकर सुबह के 9:25 तक। लाभ समय रहने वाला है सुबह के 9:25 से लेकर 10:56 तक। अमृत समय आज रहेगा दिन के 10:56 से लेकर 12:28 तक। और शुभ समय रहने वाला है आज का दिन के 1:59 से लेकर शाम के 3:30 तक। आइए आज का राहुकाल और गुलिक काल जानते हैं। राहुकाल आज रहने वाला है दिन के 5:02 से लेकर शाम के 6:33 तक। गुलिक काल रहने वाला आज दिन के 3:30 से लेकर शाम के 5:02 तक। इस समय में कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अभिजीत मुहूर्त ये भी अच्छा मुहूर्त है, ये रहने वाला है दिन के 12:03 से लेकर 12:52 तक। इस समय में किए गए कार्य सफल रहते हैं। दुष्ट मुहूर्त, इस समय में आपको कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, वो रहेगा सुबह के 7:12 से लेकर 8:00 तक। इस समय में कोई भी कार्य नया करने से बचें। तो मित्रों यहाँ पे आपको मैंने आज का संपूर्ण पंचांग बताया। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो, पंचांग के वीडियो या राशिफल के वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।